दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बारूद फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बारूद सन 1998 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अमरीश पुरी, राखी गुलजार, मोनिश बैल, अर्जुन, मोहन जोशी और गुलशन ग्रोवर नजर आए थे। इस फिल्म को प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग जावेद सिद्दीकी ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 175 स्क्रीन्स के साथ 7 अगस्त सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 5,50,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 4,85,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 51,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2,50,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8,60,00,000 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1998 की 27वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म पहले सन 1995 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ कारण से 3 साल डिले होने के बाद सन 1998 में जाकर रिलीज हुई थी। नंबर 2, ये फिल्म डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती की बारूद टाइटल वाली दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने सन 1976 में आई फिल्म बारूद को भी डायरेक्ट किया था। नंबर 3, ये फिल्म डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती की आखिरी फिल्म थी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।